हेलो भैया, हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले हमारे गांव के, भाई भी हमारे ब्लॉग बनाए। हेलो गाइस, भाई को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बहुत लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओ मेरे रांझे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसी है हमारी अभी फैमिली? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो फाइनली इतने टाइम के बाद वो दिन आ ही गया जब हमारे यहाँ मेला लगने वाला है, और काफी टाइम हो चुका है कि मेला नहीं लगा। कोविड के बाद से अब ही सीधा मेला लग रहा है, 2019 के बाद 2022 में मेले लग रहे हैं। तो यार इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं। मेले में घूमने की यार अलग ही खुशी होती है। तो अभी जा रहा हूं मैं अजीत भैया के घर पे, फिर देखते हैं मेले में कौन कौन साथ में चल रहा है, फिर सारे हम चलेंगे मेले की तरफ। तो भाई हमने गाड़ी वगैरह निकाल लिया और हमारे साथ दो भाई जा रहे हैं, अजीत भाई और आयुष भाई। ओ भाई, तो भाई हम निकल चुके हैं इस कड़क की धूप में ढोटियाल की तरफ। तो मेले में क्या सीन होने वाला है अभी हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये मेला हो रहा है, तो पता नहीं इस बार कैसा होता है, क्या होता है, अभी वहीं जाके हमें पता लगेगा। तो भाई हम तो निकल चुके हैं काफ़ी कड़क सी धूप में, बट बाकियों का भी पता नहीं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपना ढोटियाल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखने से लग तो रहा है कि मेले में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ओ वाह भाई, उन्होंने तो गेट ओपन कर दिया है, देखिए पूरा गेट पेंट हो चुका है। जय ढोटियाल महादेव। तो हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अजीत भैया को कटवाने के बाद तो नीचे निकलते हैं। तो अभी प्लान कुछ ऐसा बना है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी वहीं रिवर वाली साइड जाएं और वहां थोड़ा घूम के आ जाएं, क्योंकि भाई अभी मेला शुरू नहीं हुआ, हम काफ़ी जल्दी आ गए और जो भंडारे का था उसका कुछ नहीं है। सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि भंडारा है पर कोई भंडारा नहीं हुआ। तो भाई अभी भाई लोग का वेट करते हैं, फिर चलते हैं। A few minutes later. तो भाई हम दूसरी साइड से आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम, जहाँ मेला हो रहा है। अजीत भैया जा चुका है आगे, तो अभी दिखाते हैं हम आपको मेला। इससे पहले तो भी ज्यादा भीड़ नहीं हुई थी, तो इसलिए हम इधर आ गए थे, बट अब भीड़ हो चुकी होगी क्योंकि सब लोगों को आने का टाइम हो चुका है। तो हम आए मेले में और यह है कुछ तस्वीर, यहाँ पे चेने वगैरह दिख रही है। तो भाई लोग यहाँ पे हम कुछ देख रहे, भाई नाम छाट रहे, कौन से नाम का लिया जाए, ये वो अलग नहीं कुछ और यार ये क्या। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे तूफान आ रहा है बहुत तगड़ा वाला, देखिए बादल लगे हैं चारों ओर। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी उमर नागवा। भाई यहाँ पे एकदम से तूफान आ चुका है और अफरा तफरी का माहौल बन गया, सारे के सारे अब टेंट वेंट बिछा के वापस निकल गए। भाई आज बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं स्कूल टाइम के, बोल रहे चश्मा
बस अब कूलर उड़ा वो मागा से बढ़िया वाला खा दो उठा ताल ना उठा बिला उड़ा उठा ले क्यों मतलब ले लो भाई आपका ही माल है यार क्यों ऐसे शर्मा हो यार कितने का ये कौन दे देखो मेरे बस चला पास में हिमल अरे कौन ये आओ ना आपका ही हिमल है कौन है ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की मेरे रोज साइड से कितना ही ज्यादा तूफान आ रहा है यार भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आ चुका है पूरा मौसम खराब हो चुका है यार इस बार का मेला पूरा खराब कर दिया तो भाई इतना कुछ ज्यादा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है यहाँ का क्योंकि यार तूफान इतना भयंकर आ रहा है सब्जी भाई हमें यहाँ पे शॉपिंग करने आ रखे हमने लेनी है सब्जी की शॉपिंग मेन हमारा है हमारा पूरा जो फोकस है वो सब्जी पे तो भाई आए भाई भी हमारे ब्लॉग बना हेलो गाइस भाई को सब्सक्राइब करना भाई के चैनल का नाम क्या है गाइस मेरे चैनल का नाम ये है मनी ब्लॉग 123 चैनल तो भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग है को सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना और तो भाई अपना तो मजा की हो चुका है बारिश पड़नी स्टार्ट हो चुकी है जिस चीज का मैं करता हूँ तो यहाँ पे भैया जलेबी बन रही है इधर जलेबी उधर भैया ने चाशनी गोल रखी है उस साइड कपड़े वगैरह का है और थोड़े टॉयज वगैरह का और इस साइड है जो है वो मेनली सब्जी का ये हमारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यहाँ पे ना मेला शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है क्योंकि सीन क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश आ रही है और कोई भी अपना सामान खराब नहीं करना चाहिए सारे निकल रहे हैं धीरे धीरे करके और जो लोग अभी आए थे वो अभी निकल रहे हैं घर को और वहाँ से तो सारी दुकानें खाली हो चुकी है अब यहाँ से भी धीरे धीरे करके पूरा खाली हो रहा है तो भाई अभी चल रही है सबकी यहाँ पे आइसक्रीम तो फाइनली धूप आ ही चुकी है थोड़ी बहुत सब्जी लेंगे हम सबसे लास्ट अभी हमने कुछ नहीं खाया यार यहाँ पे मेरे रांझे बता दे मैं भाई साहब ये सारे बच्चे पकड़ पकड़ के इन्होंने शोर मचा रखा है देखो कितने बड़े बड़े भूखू पकड़े हुए पता नहीं क्या क्या तेरे को प्लास्टिक के 180 रुपए किलो क्या 180 रुपए किलो क्या 180 रुपए किलो जलेबी 180 रुपए किलो भाई देखो यहाँ पे चौमिन का स्टॉल लगा हुआ है तो लोग चौमिन वगैरह भी खा रहे हैं अब बजाओ इसको बजा तेज बजा तू तेज वाह अब ऐसे वहां जाके वो जो भैया है ना उनके कान में जाके बजा तो भैया हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले हमारे गांव के यहाँ पे भी हो रही है पार्टी इस तरबूज की और ये छोटे छोटे से खरबूजे हैं इनकी संतरे के बराबर है पर खरबूजे मुझे ज्यादा पसंद है तो हम खरबूजे खाएंगे हाँ मुझे खरबूजा देना भैया भाई हार्ड हार्ड से देनो पिछपे तो समझ देना ठीक है अरे अभी खाना है एक के बीस ही देने पड़ेगा क्या बोला तूने अच्छा इनको भी काट के देना एक को काट के दे दो और एक को ऐसे जिंदा दे दो अरे 160 रुपए किलो चले यार हाँ भाई हो जाएगा अरे यार हम वाले कम के हमारा है 160 रुपए का बजट 160 रुपए चलो वक्त नहीं वापस चलो हाय हाय एक को चलो भाई चलो ठीक है चलो हम ले लो क्यों ये हम ठीक है बिंदु जा रहे हैं हाय ऐसा मत बोलो 40 की नहीं अरे नहीं हम बोल रहे हैं ना ज्यादा नहीं है सब्जी हमने तो बहुत सारी लेनी है टमाटर सब कुछ 40 है भैया
बोरो का यार खत्म बोरो कितना है इसके और से जलेबी जलेबी ले लो है ना तो भाई सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी है देख लीजिए कितनी जल्दी हमने निपटा दिया भाई ध्यान रखना कोई ले ना जाए अरे कैसे बोल लो ब्रो अद्धा अद्धा एक साइड का नहीं यार अद्धा एक एक रे हाँ मतलब एक 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 अद्धा लंबा लगा लो 20 रुपए एक किलो भाई का एक किलो और अद्धा मेरा अजीत भैया अभी तो पैक हो गई बट अब अपनी बन गई A few minutes later. मस्त मौसम हो रखा है एकदम ठंडा ठंडा सुहावना मौसम और एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है मेरे